पैसा कमाने के चक्कर में इस तरह से परेशान है कि वो अपनी सेहत को खो देते हैं, फिर उसी सेहत को ठीक कराने के लिए जो कमाया हुआ पैसा है वो पैसा खो देता है। यानी इंसान जहां था फिर वहीं आ जाता है, बदले में बीमार शरीर, बाप रे माई गे। और इस जमाने के अंदर एक बात कर भी सच सुन लीजिए, एक जमाना था पतिव्रता नारी हुआ करता था और पति एक रिलेशन मजबूत होता था। नमस्कार, मैं हूं सुबेश कुमार और आप देख रहे हैं इनोवेशन लेबोरेटरी। जी हां, आपका स्वागत है इस चैनल पे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज का जो हमारा मुद्दा है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो मुद्दा है कि आज बीमारी इतना तेजी से कैसे बढ़ रही है और हम बीमार कैसे तेजी से होते जा रहे हैं। इसी मुद्दा के ऊपर हम आपसे बात करने वाले हैं और इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। आखिर क्या वजह है इतनी तेजी से बीमारी बढ़ने का, जानना चाहेंगे आप? जी हाँ, तो मैं बताना चाहता हूं, इतना तेजी से बीमारी बढ़ने का जो कारण है ना, सिर्फ एक कारण है और वो कारण है चेंज योर हैबिट, आपकी आदत में बदलाव। क्या आदत में बदलाव हुई है? वो बदलाव आज की डेट में हमारे पास तमाम संसाधन हैं, इसके बावजूद हम बीमार पड़ रहे तेजी से। क्या रीजन है भाई? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बीमारी जो फैल रही है सिर्फ एक वजह है और वो एक वजह ये है कि हमारे जो स्वभाव है ना, चेंज योर हैबिट, जो हमारी आदत है उसमें बदलाव कहीं ना कहीं हम लोग किए हैं। क्या बदलाव किए हैं? आज से 20 साल 40 साल पीछे चले जाइए, बहुत ज्यादा समय लॉन्ग टर्म नहीं जाना है, 20 साल भी अगर पीछे चले जाइए और 20 साल का लाइफ स्टाइल और आज के लाइफ स्टाइल में यदि आप हम और आप देखेंगे तो काफी परिवर्तन आपको मिलेगा। आज हमारे पास क्या संसाधन नहीं है, आज की डेट में क्या परिवर्तन हुआ, सिर्फ ये समझ रही है। मैं कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की बात नहीं बता रहा, हमारे और आपके जीवन जो उत्पन्न हो रही है सिर्फ मैं वो बताने वाला हूँ, ये हम और आप पर डे रोज करते हैं, सिर्फ क्या है इसको समझने की देर है। अगर आज उन चीजों को हम समझ लेते हैं ना तो और उन चीजों में सुधार करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज के वाला बीमार नहीं पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं कहने के लिए जा रहा हूं, लेकिन हाँ बीमारी से बहुत बचा जा सकता है, हम अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं। अब सीधा बता, आज के डेट आज का मैं बता रहा हूं कि हमारा क्या तौर तरीका है, जीवन लाइफ स्टाइल क्या है। सुबह हम उठते हैं, सुबह उठने के क्रम में क्या है, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाथरूम बिना चाय पिए हुए नहीं जाते, यानी सो के उठेंगे तो बाथरूम जाने से पहले चाय पिएंगे, बाथरूम से आने के बाद हमारे पास ब्रश पेस्ट यानी दांत साफ करना, उसके बाद नहाने के लिए हमारे पास तरह तरह का साबुन शैंपू हमारे पास उपलब्ध व्यवस्था है, सारा चीज खान पान हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का हमारे पास खाना बनाने का सामग्री उपलब्ध है, बर्तन उपलब्ध है, सब कुछ है। आज के डेट में शाम में अगर हम बात करें तो जैसे कि शाम के टाइम हम लोग क्या है आज के डेट में प्रयोग करते हैं, फास्ट फूड की तरफ ज्यादा बढ़े, फास्ट फूड ज्यादा खाएंगे तो हमारी सेहत को कहां ले जाएगा, आज कौन नहीं जानता फास्ट फूड खाने से हमारी परेशानियां बढ़ती चली जा रही है, आज जो मोटापा बढ़ रहा है ये सब ज्यादा तेल प्रयोग करने की वजह से। और रात के टाइम हम लोग क्या करते हैं, हल्की भोजन करते हैं और वो भी भोजन किस टाइम करेंगे तो काफी लेट। अब रात को भी आदमी सही से नींद नहीं ले रहा है, एक बात में बताइए आप कि आज के दिन मैक्सिमम लोग ऐसा है कि रात के 11-12 बजे जब तक 10 लोगों का गुड नाइट भेजता है और उसका गुड नाइट का इंतजार करता है कि फलाना हमको गुड नाइट भेजा कि नहीं भेजा। एक बात बताइए, अब वो गुड नाइट आपको भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है वो तो उसका मैटर है भाई, आप उस ख्याल में जगे रहते हैं। जब आप सही से नींद नहीं लेंगे तो आपका खाना पचेगा नहीं, वो खाना क्या हुआ सर, 90% लोग का खाना पचता नहीं है बल्कि खाना सड़ता है पेट के अंदर, और यही वजह से न जाने कई बीमारियां पैदा ले रही है आज के डेट में। उसके बाद पहले जमाने के लोग, आज हमारे पास ब्रश है पेस्ट है उसके बावजूद भी दांत की समस्या से पड़े रहते, आज आप जाके देखिए डॉक्टर साहब के पास जाइए दांत वाला डॉक्टर, लोग पड़े रहते डॉक्टर साहेब 3 दिन से 4 दिन से दांत के दर्द के वजह से खाए नहीं, क्यों भैया आपके पास तो ब्रश है आपके पास पेस्ट है, क्या किया है?
था, लेकिन वो जमाना हुआ करता था जिस टाइम ब्रश नहीं था, लोग सुपारी फोड़ देते थे अपने दांतों से, लेकिन आज रोटी सही से नहीं टूटता है। आज लोग 5 दिन पैदल नहीं चलना में सक्षम नहीं है, पहले लोग मीलों दूर पैदल चलते थे, पहले लोग पहलवान हुआ करते थे, आज हमारे पास खाने के लिए सारा चीज उपलब्ध है। लोगों को पहले सुना करते, लोगों को खाना नसीब नहीं होता था, आज सभी चीज हमारे पास उपलब्ध रहने के बावजूद भी शरीर में ताकतें नहीं है। पहले के जमाने के लोग शाम के समय में हर घर भूंजा का प्रयोग करता था, मकई का, गेहूं का, चावल का भूंजा खाता था। उससे दो फायदा होता था, एक तो जमाने के क्रम आपका दांत साफ रहता था, दूसरा नंबर डाइजेस्ट अच्छे तरीके से होता। अभी शाम के टाइम में कोई लोग तो कब भूंजा खाता नहीं, आप क्या करें शाम के टाइम में एक दांत को दांत साफ करने का एक कोई पिन ले लीजिए और दांत को जो उसमें जो फंसा हुआ आपका उसको सूंघ के दिखेगा तो बदबू आपको देगा, बीमारी बनने का डर। पहले लोग घी खाता था, आज डेट में डॉक्टर इस तरह से बताया गया घी खाने से आपका फैट बढ़ता है। अगर घी खाने से फैट बढ़ता तो एक जमाना हुआ करता था जिसमें लोग 200 ग्राम 300 ग्राम घी खाता था, तो भाई उस टाइम तुझे फैट बढ़ता था, लोगों को क्यों नहीं बढ़ रहा था। आज के डेट में लड़की लोगों खास करके दूध जो है वो बदबू देता है, क्यों भाई दूध में ऐसी क्या परेशानी आ गई है। तो डेट मीन्स क्या कि हमारा देखिए स्वभाव में कहां परिवर्तन हुआ, पहले आज के डेट में हम हर चीज के लिए मशीन का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे क्या है, आटा गूंथ पीसना है उसके लिए मशीन है, गूंथने के लिए मशीन है, रोटी बनाने के लिए मशीन है। पहले लोग खुद से पीसा करते थे, तो खुद से जब पीसा करते थे तो शरीर फ्री रहता था। आज हमारे पास केंद्र आरओ जैसी पानी का व्यवस्था है, शुद्ध पानी पीते, पहले लोग तालाब का कुआं का पानी पी के 200 साल जिंदा रहता था, आज हमारे पास बिसलरी पानी है, इसके बावजूद भी हम 60 साल में घट रहे हैं। आज हम ये सोचते हैं कि हम स्टैंडर्ड है, लेकिन हम स्टैंडर्ड नहीं है। इसके अलावा बात बात पे हम लोग पेन किलर का प्रयोग करते हैं, बात बात पे हम लोग इंग्लिश मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, आज रसायन का प्रयोग करें, खेत के अंदर जाके देखें कितना प्रयोग हो रहा है। तो दैट मींस क्या है कि इतनी तमाम समस्याएं जो पैदा हो रहा है, हम अपने लाइफ को स्टैंडर्ड बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये परेशानियां पैदा होती चली जा रही है। पहले लोग पहलवान हुआ करते थे, आज कहां है पहलवान। पहले लोग ये सुना करते थे कि फलाना 7 किलो दूध पी गया और पचा गया, अभी 700 ग्राम दूध पी लेगा तो पेट चालू हो जाएगा। पहले लोग एक बार में 20 रोटी 15 रोटी खाता था, आज 2 रोटी लोग नहीं खा पाता है। तो बीमारी बढ़ने का जो इतने कारण है ना, सिर्फ हमारे स्वभावों में बदलाव है। पहले भी तो लोग सुंदर हुआ करते थे, आज जितना हम स्किन को साफ करने के लिए केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, पहले तो प्रयोग होता नहीं था, न जाने कई बीमारियां पैदा ले रही है। आज जिस रिफाइन का प्रयोग करते हैं, जिस तेल का प्रयोग करते हैं, आज न जाने कितनी सारी न्यूज आपको आया कि तेल की वजह से कितनी परेशानियां पैदा ले रही है। तो मेरा क्या कहना है कि क्या इन चीजों से हम बच सकते हैं, नहीं, इन चीजों से बच, लेकिन हम अपने और जितना हो सके बचाव तो कर सकते हैं, हम अपने आप को सुरक्षित तो कर सकते हैं। मेरा कहना सिर्फ स्वभाव में बदलाव, यानी कि रोज सुबह जो पहले लोग क्या करता था, अभी देखिए पहले लोग आपका कोयला में नमक डाल के दांत साफ करता था, तो लोगों को उसके बारे में एक बहम फैलाया गया कि ऐसा करने से आपके दांत पे बुरा असर पड़ेगा। लेकिन आज के डेट में जो कोलगेट आ रहा है उसमें क्या है, चारकोल प्लस नमक मिला हुआ आपर चार मारा है, यानी कि आपके शरीर में जो विटामिन है, मिनरल्स है, फाइबर है, जो शरीर में जा रहा है, वो जो एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं, वो जो लिख के आप अपने रेफरेंस जो लिख के भेजा, आपको उससे पता चलता है जो हम खा रहे हैं इसमें इतने कैल्शियम, किस बात का प्रमाण दे रहा है किसके अंदर कैल्शियम है। भाई घी बंद करवा के हमको रिफाइन की तरफ प्रचार मिले जाया गया, डाटा की तरफ प्रचार मिले जाया गया। तो दैट मीन्स ये चीज समझने की दे रहे कि हमारा जो खान पान, हमारा जो रहन सहन है, अगर हम सेहत चाहते हैं अच्छी, तो हम अपने बाप दादाओं को जो उन्होंने जो मजबूती के साथ जीवन जिया, यानी कि अच्छी सेहत जिया, तो सेहत अच्छी बनने के लिए उनकी जो जीवन शैली थी उनको हमें अपनाना पड़ेगा, दतमन से दांत साफ करना पड़ेगा, तभी जाके हमको शाम के टाइम में जो फास्ट फूड है उससे हमको परहेज करना पड़ेगा।
आज चिकन लोग खाते हैं, आप सोच सकते हैं ना 35 दिनों में चिकन आपका 2 किलो का हो जाता है जी, क्या ऐसा चीज मिला दिया गया है। और वो खा के आज के डेट में खास करके जब लड़की वाल खा रही है, कम टाइम में लड़की बालिग हो रही है। आज में बाल पकने की समस्या लोग मजाक में भले उड़ा दे, बुरा हो गया, लेकिन हकीकत क्या, फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि आज आपके शरीर के अंदर जो जा रहा है ना, वो इतनी गर्मी पैदा कर रहा है और उससे बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो मैं अपने साथियों से, चैनल देख अपने ये वीडियो देखने वाले साथियों से कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई नहीं है। यदि आप करोड़पति हैं और आपको शुगर का बीमारी है सर, चाह के भी आप मिठाई नहीं खा सकते हैं। आप पैसे वाले हैं लेकिन आपको बवासीर है, चाह के भी चटपटा नहीं खा सकते आप, क्योंकि आपकी बवासीर बढ़ जाएगी। आपके अंदर बीपी है, आप बीपी बढ़ने वाली कोई भी ऐसी सामग्री है जिसको खाने से बीपी बढ़ सकता है, आप नहीं खा सकते। तो फिर वो पैसा किस काम का, फिर वो करोड़ों रुपया किस काम का? आपकी सेहत ही अच्छी नहीं है, आपको अच्छे से नींद ही नहीं आ रही है। तो इसलिए नहीं कहा गया स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई नहीं है, इसलिए नहीं कहा गया। मेरा कहना यह है कि आज की डेट में लोग है क्या, जो ये मॉडर्न जमाना है, पैसा कमाने के चक्कर में इस तरह से परेशान है कि वो अपनी सेहत को खो देते हैं, फिर उसी सेहत को ठीक कराने के लिए जो कमाया हुआ पैसा है वो पैसा खो देता है। यानी इंसान जहां था फिर वहीं आ जाता है, बदले में बीमार शरीर, बाप रे माएंगे। और इस जमाने के अंदर एक बार कर भी सच सुन लीजिए, एक जमाना था पतिवर्ता नारी हुआ करता था और पति एक रिलेशन मजबूत होता था। आज के डेट में आप बीमार पड़ जाएंगे, 10 दिन तक सेवा कर सकती है पत्नी, 11वां दिन आपको लात मार के निकल सकती है, क्योंकि उसके शरीर में उतना पावर भी नहीं रहा, ताकत भी नहीं रहा। दूसरी जमाना जिसे मॉडर्न जमाना है, तो अपनी भी जीवन आज क्या जीने का अधिकार मांग रही है, एक जमाना था। इसलिए मेरे प्रिय दोस्त, सेहत पर ध्यान दीजिए और अच्छी सेहत आपकी जिंदगी को खुश नसीब बनाएगी, क्योंकि जब तक आपकी अच्छी सेहत नहीं होगी, इस दुनिया में ना माँ बाप भाई बहन पति पत्नी दोस्त कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। लेकिन सेहत अच्छी होगी, संसाधन कम भी होगा, तो जीवन बेहतर जिएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। आपने मुझे पूरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, और बेहतर लगी होगी अपने दोस्तों में शेयर करें, आप मुझे कोऑपरेट करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।